आप सभी का स्वागत है मनी गुरु में। मैं हूँ स्वाति रायना। कई बार अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे में समझ नहीं आता क्या करें। बैंक से पर्सनल लोन लेने में ज्यादा फायदा है क्योंकि इसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी है और कई बार तो आपको इसके लिए अच्छा खासा ब्याज भी देना होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका म्यूचुअल फंड इस मुसीबत की घड़ी से आपको निकाल सकता है? जी नहीं, हम म्यूचुअल फंड स्कीम बंद करने या फिर उसे बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की एवज में लोन लेने की। कम वक्त के लिए अगर लोन की जरूरत पड़े तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करने या अपनी SIP बंद करने की बजाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लोन लेना एक बेहतर विकल्प है। और अवेयरनेस की कमी की वजह से लोन लेने का ये तरीका अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन हम यानी मनी गुरु आज आपको बताने जा रहा है म्यूचुअल फंड की एवज में लोन लेने की क्या पूरी प्रक्रिया है। और दर्शकों को यही बताने के लिए और समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हर्ष रूंगटा है। हर्ष सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस आज के बेहद ही खास एपिसोड में। सबसे पहले, क्या वाकई लोगों को मालूम है कि हाँ म्यूचुअल फंड पर लोन भी ले सकते हैं? खैर, इसके बारे में बहुत से लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं है, या जिनको मालूम है उनको भी थोड़ा प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि शायद प्रक्रिया इसकी पेचीदा हो और पता नहीं कि जिस स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया है वो स्कीम के अगेंस्ट में मुझे लोन बैंक या लेंडर देगा। तो ये इन सब कारणों से ये जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, ये बहुत ही छोटा एक हिस्सा है लोन्स का। ओके सर। जबकि मेरे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन है, उसका एक कड़ी ये भी होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में आसानी से लोन आपको मिलता है। तो सर, आज के इस एपिसोड से दर्शकों को ये क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बदले आप लोन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये दर्शकों को बताइए कि कैसे मिलता है ये लोन, क्या प्रक्रिया है? तो इसमें जिस भी लेंडर से करीबन करी कहते हैं वो इस म्यूचुअल फंड के सामने लोन देता है। प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी बैंक, जो भी लेंडर आपको लोन देगा, वो आपको एक आपके म्यूचुअल फंड के नाम एक लियन लेटर लिखेगा कि ये म्यूचुअल फंड्स हमारे फेवर में लियन मार्क कर दे। ये म्यूचुअल फंड या उसके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। चार ही रजिस्ट्रार्स हैं, कैम्स हैं, कार्वी है, फ्रैंकलिन है, सुंदरम है, इनके पास जाते हैं। वो जब लियन मार्क हो जाता है, वो कंफर्म कर देते हैं लेंडर को कि ये लियन हमने आपके फेवर में मार्क कर दिया, अब आप इन फंड्स को बेच नहीं पाएंगे, इन स्कीम्स को बेच नहीं पाएंगे जिस पे लियन मार्क हो गया है। और उसके बाद आपको लोन लेंडर से मिल जाता है। सारी प्रक्रिया में करीबन 5 से 7 दिन लग जाते हैं और शायद इसी के डर से कई लोग लोन नहीं लेते। अभी एक HDFC बैंक ने टाई अप किया है मेरे ख्याल से कैंप्स के साथ, जिसमें ये जो प्रक्रिया है सारी ऑनलाइन कर दी है, इसलिए इंस्टेंट लोन मिलने का तरीका उन्होंने किया है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे दूसरे लेंडर्स भी इसको इस्तेमाल करते हुए ये प्रक्रिया और सिंपल हो जाएगी। मतलब ये जो इंस्टेंट लोन प्रक्रिया है, मतलब कि आप ऑनलाइन जल्दी से जल्दी लोन ले सकते हैं। क्या इसमें कुछ डिफरेंट प्रोसीजर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मिल जाता है, जल्दी मिलने के पीछे कारण क्या है और उसके लिए कैसी तैयारी रखने की जरूरत है किसी को? तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो HDFC बैंक का प्रोसेस है, उसमें ये जो लियन मार्किंग का प्रोसेस है उसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। फिलहाल उनका टाई अप शायद सिर्फ कैंप्स के साथ है। तो यानी जो म्यूचुअल फंड्स को कैंप्स सर्विस करता है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, और भी कई 9 या 10 म्यूचुअल बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैंप्स सर्विस करता है, उनका कंफर्मेशन जो है लियन मार्किंग का वो इंस्टेंट हो सकता है। ये HDFC ने टाई अप HDFC बैंक ने टाई अप किया है
और इस वजह से और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लियन मार्किंग प्रोसेस इंस्टेंट कर दिया है। ओके सर, ये बताइए कि इंटरेस्ट कितना होता है, क्या अलग अलग बैंक की ब्याज दर में काफी अंतर है? हाँ जी बिल्कुल, ब्याज दरों में फर्क होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर हम मध्यस्थ या एवरेज ब्याज दर की बात करें तो करीबन 10.5% के आसपास है। हो सकता है कोई बैंक में आपको 10.25 या 10 भी मिल जाए, हो सकता है कोई बैंक में आपको 11.25 भी लग जाए, 11 से ज्यादा भी लग सकता है। बट इफेक्टिवली अगर हम देखें तो एवरेज रेट करीबन 10.5% के आसपास है। तो कई बार जैसे लोग जरूरतों के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो क्या आप ये सजेस्ट या फिर एडवाइस करेंगे कि हाँ म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है कुछ सिचुएशंस में? जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सामने जैसे अगर कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको अनसिक्योर्ड लोन लेना है, तो अनसिक्योर्ड लोन आपको कम से कम 13-14% में मिलेगा, बनिस्पत की कई लोगों को तो 20-22% भी लग जाएगा और कई लोगों को तो मिले भी ना। वेरेज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में जहां तक इक्विटी स्कीम्स का सवाल है, रफली 50% आपको वैल्यू मिल जाएगी, और जहां तक डेट स्कीम्स का सवाल है 80% तक का लोन आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो भी मिल जाएगा, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो भी मिल जाएगा। तो कई सूरतों में पर्सनल लोन से तो खैर बहुत सस्ता पड़ता है ये। कई बार होता है कि किसी आपके करीबी आदमी को पैसे चाहिए हैं, अगर आप देंगे तो आपको अपना म्यूचुअल फंड तोड़ के उसे देना होगा, उसके बजाय आप अपने म्यूचुअल फंड उसे थर्ड पार्टी प्लेज कहते हैं, आपने अपने म्यूचुअल फंड प्लेज कर दिए, उसके बेसिस पे उसने लोन लिया, लोन चुका दिया, आपके पास आपके म्यूचुअल फंड वापिस आ गए, तो आपने अपना रिटर्न भी मिलता रहा आपको म्यूचुअल फंड पे और आपने अपने करीबी पर्सन का सहायता भी कर दिया। तो बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जब म्यूचुअल फंड यूनिट लेने में आपको फायदा होता है। हर्ष सर, लेकिन आपने अभी कहा कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होने नहीं होने पर भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, माई राइट? आपने यही कहा था सर? नहीं, मैंने ये कहा कि क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हो तो भी लोन आप ले सकते हैं। आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर होना कोई जरूरी नहीं है, खराब क्रेडिट स्कोर हो तो भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट। लेकिन ये ट्रेंड क्या आपको लगता है एक हेल्दी है? क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि अपना क्रेडिट स्कोर हेल्दी मेंटेन करना जरूरी है आगे आने वाले तमाम लोन्स के लिए भी, जो भी आपकी लोन कैपेसिटी है उसके मेनी अदर थिंग्स, लेकिन ये ट्रेंड कैसा रहेगा फिर? मुझे सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया। हर्ष जी, अब आ रही आवाज आपको मेरी? हाँ जी सर, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो ट्रेंड है, मतलब क्रेडिट स्कोर नहीं भी अच्छा है उसके बावजूद अगर लोन मिल रहा है, तो ये ट्रेंड क्या हेल्दी है? नहीं, इसमें अनहेल्दी की बात ही नहीं, इनफैक्ट ये लोन लेकर आप अपना खराब क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। अगर आपका स्कोर कोई कारणों से खराब हो गया और आपको लोन की जरूरत है, बिना जरूरत के लोन ना लें, लेकिन अगर लोन की जरूरत है उसे समय पर भुगतान करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा और बैंक को तो कोई नुकसान उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उसका रिडीम करके वो अपना लोन वापस ले लेंगी, तो ये बैड डेट में जाने का चांसेस बहुत ही कम है। अच्छी मार्जिन रहती है बैंक के पास इक्विटी के सामने 50% और डेट के सामने 20%, तो उनका ये लोन खराब होना होता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से इसकी रेट इंटरेस्ट रेट कम है। बताइए कि किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड पर यूनिट्स के अगेंस्ट लोन लेना फायदेमंद है?
जो लोग अब सोच रहे हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी कौन सी हो सकती है? कई कैटेगरी हो सकती है, जैसे मैंने कहा अगर थर्ड पार्टी को आपको किसी को हेल्प करना है, या आप समझिए आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको बिजनेस के लिए अपना लोन लेना चाहते हैं, और एक तरफ आप अपना फ्यूचर के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सहारे आप लो रेट पे इंटरेस्ट लेकर अपने बिजनेस को भी और बढ़ा सकते हैं, और उसी में से और पैसा सेव करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इट कैन फीड ऑन ईच अदर। एक ऑलरेडी हमने देखा कि अगर आपका कोई कारणों से क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो आप इसके सामने लोन ले सकते हैं। आप एजुकेशन लोन भी, अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लेंगे, सस्ता नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगा और बहुत ही आसानी से मिलेगा। मतलब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स 7 डेज में आपको मिल ही जाएगा। जितनी अमाउंट में लिमिट होती है, अगर बैंक से लेना है तो 20 लाख की लिमिट है फॉर लोन अगेंस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं, दर्शकों से भी बात करते हैं कि उनके क्या सवाल हैं। पुणे से इस वक्त हमारे साथ अनिल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार अनिल जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने पिछले एक साल से SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें मैं कितना लोन ले सकता हूँ और कौन कौन उसमें, मतलब फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर, वो कौन कौन मुझे लोन्स और कितना इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं? ओके हरजी, एक साल से SIP इनकी चल रही है, कितने लोन के ये हकदार हैं और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, कितने इंटरेस्ट में इनको लोन मिल सकता है? अनिल जी, कौन सी स्कीम में किया है, कितना सिप किया है आपने अभी तक, और कौन सी स्कीम में किया है, उसकी आज क्या वैल्यू है? ₹1.3 लाख का है, वो सारी ग्रोथ टाइप की इन्वेस्टमेंट है। जी, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, 1.3 लाख का अब तक का इनका टोटल वैल्यू। मुझे स्कीम सुनाई नहीं दी, स्कीम कौन सी स्कीम है, स्कीम भी बता दीजिए अनिल जी। मैम, मेरे पास टोटल 8 फंड्स है। ओके सर, 8 फंड्स है इनके पास और सब ग्रोथ फंड्स हैं, और 1.5 लाख तक का टोटल इनका इन्वेस्टमेंट 8 फंड्स में। यस सर, यस यस। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि इनके पास जो टैक्स सेविंग फंड है वो नहीं है, बिकॉज टैक्स सेविंग फंड पे लोन नहीं मिल सकता आपको। अगर इक्विटी स्कीम है और उसकी आज की वैल्यू 1.25 लाख के आसपास है जो कि उन्होंने कहा, तो उसके अगेंस्ट में इनको ₹60,000 तक का लोन मिल सकता है। कई बैंकों में इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल के भी मिल सकता है, और NBFC से लेंगे तो एक रेगुलर लोन भी मिल सकता है जिसको किश्तों में वापिस चुकाना पड़े। ओवरड्राफ्ट लेने में एडवांटेज ये है कि सिर्फ ब्याज चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हमने पहले ही कार्यक्रम में जिक्र किया था, करीबन 10.5% के आसपास है, टिपिकली 0.5% तक का प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है बैंक चार्ज करता है। तो इनके केस में अगर ये 60-65 हजार का लोन लेते हैं तो 3 से 3.25 हजार रुपए तक का इनका प्रोसेसिंग चार्ज शायद हो सकता है। ओके सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ और सवाल ले उससे पहले, कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी ऐसा इस टाइप का लोन लेने के लिए? ऑनलाइन क्या अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन में? आपने तो बता दिया कि कितने दिन में लोन मिल सकता है, लेकिन कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें? सो डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत ही कम लगते हैं, जैसे बताया समय तो एचडीएफसी बैंक ने तो इंस्टेंट कर दिया इसको। तो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी
और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए जो कि आधार कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो आपका होल्डिंग स्टेटमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। अगेन धीरे धीरे ये सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, और फिर आपको सिर्फ लियन मार्किंग का लेटर आपको बैंकों से लेना होगा। ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आपका पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। आई थिंक ये चार के अलावा और कुछ आपको जरूरत नहीं है। ओके सर। सर एक सवाल मुंबई से विवेक जी का हमारे पास आया है, लेकिन बहुत ही सीमित जानकारी है, लेकिन शायद थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बता पाए, क्योंकि घर का रेनोवेशन इन्हें कराना है और उसके लिए इन्हें कुछ रकम चाहिए, 8 लाख रुपए की जरूरत है। अब म्यूचुअल फंड में आई एज्यूम ये कर रहे हैं निवेश, तभी इन्होंने सवाल पूछा है, क्या इस पर्पस के लिए उन्हें लोन मिल सकता है? उनको आपने कहा कि घर के रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, 8 लाख का लोन लेना है, राइट? करेक्ट। और सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? फ्लैट दे रहे हैं। सर इतनी जानकारी इतनी है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है। यस यस बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यस यस एब्सोल्युटली सर। तो वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इनको इनकम प्रूफ भी देना होगा। अगर 8 लाख का लोन ले रहे हैं और समझिए कि उसको 15 साल का लोन ले रहे हैं, तो उसका जो भी ईएमआई बनेगा, इंटरेस्ट रेट फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करीबन 9.5-9.5 के आसपास पड़ेगा इनको। और जो भी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस करना होगा और वो लोन इनको मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ ऑफ इनकम इनको दिखाना होगा कि जितनी भी ईएमआई है उससे कम से कम इनकम, महीने की इनकम कम से कम 2.25% गुना होनी चाहिए, तो ही वो लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अनलाइक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो बिना इनकम प्रूफ दिखाए भी मिल सकता है। ओके सर, अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से उमेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है जी। उमेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? यस यस मैम, मुझे आवाज आ रही है। बताइए बताइए सवाल बताइए अपना। मैडम मैडम मेरे पास HDFC बैलेंस फंड में 6.5 लाख रुपए है, तो मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि मुझे उसके अगेंस्ट कितना लोन मिल जाएगा। HDFC बैलेंस फंड में 6.5 लाख रुपए का निवेश है इनका, हर्ष जी उसके एवज में कितना लोन इन्हें मिल सकता है? हाँ जी, इन्हें 3.25 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा, 50%। HDFC बैलेंस फंड को इक्विटी फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके सामने इनको 3.25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, किश्तों वाला लोन भी ले सकते हैं, जो इनके लिए सहूलियत हो वो ये ले सकते हैं। ओके सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और चर्चा हम करेंगे इस शो में। हर्ष उंगटा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए मणिकुर। स्टॉक है 2.25% मजबूत, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 9% से, तो तेजी की पोजीशन बनने के संकेत वायदा कारोबार के आंकड़ों में आ रहे हैं। आज के लिए बताइए वंशन जी, 1809 का एक स्टॉप लॉस है और टेक्निकली अनिल जी मुझे लगता है ऊपर में 1852-1855 के लेवल्स। वायदा कारोबार के डेटा देख के मैंने पूछ लिया, टेक्निकली बंसल जी को पसंद है और 1850 यह है इस वक्त लेवल, मजबूती के साथ कारोबार करता हूं।
मणिगुरु में आज हम आपको बता रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स की एवज में भी लोन ले सकते हैं। हमारे साथ हर्ष रुंगटा है, जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और आपको बताएं कि एक और सवाल जो हमारे पास है हर्ष जी, वो नासिक से दिनेश चौधरी जी हमें सवाल भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार पर ये लोन लेना चाहते हैं, 2 लाख रुपए की इसकी जरूरत है। अब कार लोन जो मिल रहा है 12% की दर से मिल रहा है, जो कि इंटरेस्ट में ज्यादा लग रहा है, तो क्या म्यूचुअल फंड के एवज में लोन लेना बेहतर विकल्प रहेगा ऐसे केस में इनके लिए? जी बिल्कुल, अगर कार लोन, ऑल्दो 12% कार लोन के लिए बहुत हाई है और उनको लोअर रेट पे कार लोन मिलना चाहिए, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। म्यूचुअल फंड के सामने 10.5% में उनको लोन मिल जाएगा। अगर इक्विटी फंड्स में उनके 4 लाख का फंड है नॉन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर लॉक्ड इन है तो उस पर लोन नहीं मिलता, बट नॉन लॉक्ड इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में तो उस पर उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे 4 लाख के सामने। और अगर डेट वाले हैं तो 2 लाख के लिए सिर्फ 2.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर 10.5 पे मिल रहा है और कार लोन उनको महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल फंड का यूनिट्स ले, कार के अगेंस्ट लोन क्यों ले। एक और फायदा होगा उनको, कार के अपने पेपर्स पर एंडोर्समेंट भी मार्क नहीं कराना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में जब वो बेचेंगे गाड़ी को तो बेचते समय उन्हें आसानी होगी और ये जो NOC लेने का जो चक्कर है वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा। ओके सर, सर एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताइए कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन में लोन की राशि कितनी होती है और ये डिसाइड कैसे होती है? तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सामने लोन आसानी से मिलता है। आसानी से क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें बैंक को नुकसान होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप बैंक को चुकाएंगे नहीं ब्याज या उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो रिडीम कर अपना लोन जो है रीपेमेंट कर लेगी। इसलिए वो आपका प्रूफ ऑफ इनकम नहीं चेक करता, इसलिए वो आपका अगर पुराना क्रेडिट स्कोर खराब भी हो तो भी आपको लोन दे देता है। तो कितना लोन देता है ये रेगुलेटेड है, इसको रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है। अगर इक्विटी स्कीम है, म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम है, उसके सामने 50% मिलता है। अगर डेट स्कीम है उसके सामने मैक्सिमम 80% मिलता है। जहां तक बैंकों का सवाल है, वो इक्विटी स्कीम्स के सामने एक इंडिविजुअल को 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। नॉर्मली हर स्कीम के सामने आपको मिल जाएगा, लेकिन कई लेंडर हो सकता है कि पर्टिकुलर स्कीम के सामने आपको न दे, लेकिन अगर आपकी रेगुलर स्कीम है तो उसमें लोन मिलना कोई भी लेंडर से आपको मुश्किल नहीं होगा। ओके सर, लेंडर की जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो उसके वेबसाइट पे मिल जाती है, और अगर आपकी स्कीम उस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं भी है तो भी उसको इंक्लूड करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं जल्दी से देवास से। मयंक जी इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर है फोन लाइन पर। मयंक जी स्वागत है, सवाल बताइए अपना। मैम मेरा एक सवाल है कि मेरा स्कूल है देवास में, तो मैं स्कूल को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहता हूँ। ओके, कृषि जो भूमि है उसको खरीदना चाहता हूँ, तो उसमें लोन चाहिए मुझे। कुछ अमाउंट तो मेरे पास FD है, तो वो अभी 15 लाख तक का लोन चाहिए मुझे। ठीक है, स्कूल के लिए चाहिए, स्कूल को डेवलप करने के लिए। स्कूल को डेवलप करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? यस मैम। हाँ, तो मतलब क्या इससे रिलेटेड है कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ले सकते हैं या ऐसे ही चाहते हैं कि कोई भी लोन आपको मिलना चाहिए इसके लिए? ऐसे ही चाहता हूँ मैं, FD है मेरी। ओके, FD है SBI में। ठीक है, ओके सर बताइए क्या तरीके इनके पास है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए 15 लाख रुपए का लोन लेने चाहिए? क्या इन्होंने कहा कि इनके पास FD है जिसके सामने लोन लेना चाह रहे हैं? FD भी है इनके पास और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं। हाँ, तो म्यूचुअल फंड के सामने जैसे मैंने कहा, उसमें पर्पस
कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज स्पेक्यूलेटिव या इलीगल पर्पस नहीं है और लोन स्कूल को बढ़ाना क्लियरली अच्छा पर्पस है, तो पर्पस उससे ज्यादा कोई होना जरूरी नहीं है। 15 लाख का अगर लोन इन्हें अगर ये चाहते हैं, तो अगर इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है तो 30 लाख का वैल्यू होना चाहिए, और अगर डेट स्कीम्स में है तो करीबन 19 लाख के आसपास का वैल्यू होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि जब वैल्यू घटे, अगर कोई कारण से वैल्यू घटती है तो आपको एडिशनल यूनिट्स देने होंगे उस समय पे, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू रहना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच हर्ष जी हमारे साथ आज के म्यूचुअल फंड के स्पेशल शो में जुड़ने के लिए, जिसमें कैसे आप लोन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अगेंस्ट, ये दर्शकों को आपने बताया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।